हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है नीता वर्मा ने, और कहानी है वह कौन थी। आधी रात का समय था, गर्ल्स हॉस्टल के अपने रूम में लेटी बिल्कुल बेचैन थी क्योंकि उसकी रूममेट पावनी आधे घंटे से वॉशरूम से वापस नहीं आई थी। बिल्कुल उठकर देखने गई तो हैरान रह गई। पावनी बाथरूम के दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। विपुल ने पावनी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो पावनी को होश आ गया, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। विपुल उसे सहारा देकर रूम में ले आई और बिस्तर पर लिटा दिया। दूसरे दिन सुबह पावनी ने विपुल को बताया, मैं कल रात बाथरूम में जा रही थी तो मुझे घुंघरू की छम छम सुनाई पड़ी। फिर भी हिम्मत करके मैं बाथरूम में घुस गई, लेकिन जब बाहर आई तो एक चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी जिसे देखकर मैं डर गई। और अगली 12वीं की सबसे होशियार स्टूडेंट होकर भी इस तरह की दकियानूसी बातें करती हो? तुम्हें पता है कि भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी बातें कोरी कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विपुल ने उसे काटा। लेकिन पावनी के चेहरे पर अभी भी खौफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, मेरा विश्वास करो बिल्कुल, मैंने कल सचमुच चुड़ैल को देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी हुई चुड़ैल के घुंघराले बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वे बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं चाहकर भी वहां से हिल ना सकी और डर के मारे बेहोश हो गई। बिपुल को पता था कि भूत प्रेत नहीं होते, फिर भी पावनी की बात से इतना तो स्पष्ट था कि उसने कुछ तो ऐसा वैसा देखा था। अतः विपुल जानना चाहती थी कि असलियत क्या है। हॉस्टल में यह खबर फैलते देर ना लगी कि पावनी को रात में बाथरूम के पास चुड़ैल दिखाई दी थी। लड़कियों में भी दहशत फैल गई। हॉस्टल की वार्डन कल्पना मैडम भी पावनी की बात सुनकर हैरान थी। 10 सालों से कल्पना मैडम इस हॉस्टल की वार्डन थी, लेकिन कभी इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। कल्पना मैडम ने पावनी को हौसला दिया कि वो खुद इस बात की असलियत का पता लगाएगी। कुछ दिन बाद फिर पावनी को वही चुड़ैल दिखाई दी तो पावनी इतनी भयभीत हो गई कि उसने हॉस्टल छोड़ने का निश्चय कर लिया। विपुल व अन्य सहेलियों ने उसे किसी तरह समझा कर रोका। एक सप्ताह के बाद उनकी 12वीं की भी हॉस्टल में 12वीं की फाइनल परीक्षा शुरू होने वाली थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि हॉस्टल में 50 लड़कियां थीं, लेकिन पावनी के अलावा किसी और लड़की को कभी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इससे विपुल इतना तो समझ गए कि जरूर कोई लड़की चुड़ैल बनकर पावनी को डरा रही है, लेकिन वह कौन है और पावनी के पीछे क्यों पड़ी है, यह जानने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गई। ठान लिया कि वह इस बात का पता जल्द से जल्द लगाएगी, वरना पावनी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। अतः सबसे पहले उसने पावनी को अकेले रात में रूम से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। दूसरे दिन मैस में सुबह नाश्ता करते समय पावनी की यूनिफॉर्म पर चाय गिर गई। बिल्कुल ने देखा तो जल्दी से पानी लेकर चाय के दाग साफ करने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उनकी सहपाठी साक्षी अजीब अंदाज में हंसी। विपुल ने चौंक कर साक्षी की तरफ देखा तो अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे साक्षी की हंसी के पीछे छिपी कुटिलता साफ नजर आ रही थी। तीसरे पीरियड में विपुल सिर दर्द के कारण मैडम से छुट्टी लेकर हॉस्टल चली आई। उसने अपने रूम में बैग रखने के बाद वो सीधा साक्षी के रूम के पास पहुंच गई। यह हॉस्टल का सबसे बड़ा रूम था जो बाथरूम के पास ही था। इसमें साक्षी के साथ उसकी दोस्त नेहा और रुचिका भी रहती थी। रूम की खिड़की खुली हुई थी। विपुल ने खिड़की से झांक कर इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे एक कोने में पड़ी सफेद साड़ी और बालों का विग दिखाई दिया। उसका सब सही निकला। उसे सुबह साक्षी की कुटिल हंसी देखते ही उस पर शक हो गया था, और अब तो विपुल को सबूत भी मिल गया था। विपुल को समझते देर ना लगी कि यह साक्षी की ही हरकत है। चुड़ैल कौन है यह तो पता चल गया, लेकिन वह पावनी के पीछे क्यों पड़ी है यह जानना बाकी था, जिसका जवाब तो साक्षी ही दे सकती थी। विपुल ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगी। रात के ठीक 12 बजे थे, पावनी बाथरूम से बाहर आए। वही चुड़ैल बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार पावनी डर का बेहोश होने की बजाय आराम से खड़ी चुड़ैल को घूर रही थी। तभी अचानक वहां की लाइट जल उठी। चुड़ैल हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी तो विपुल का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चुड़ैल जड़वत खड़ी रह गई। सन्नाटे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी तो साक्षी की दोनों सहेलियां नेहा और रुचिका भी वापस
वहां आ गई। विपुल ने आधी रात को हंगामा खड़ा करके पूरे हॉस्टल को जगाना उचित नहीं समझा, अतः उन तीनों को लेकर अपनी रूम में गए और उसने पावनी को डराने का कारण पूछा। साक्षी और रुचिका तो इतना डर गई थी कि कुछ बता ही नहीं पाई। नेहा ने ही बताया, तुम लोगों को याद होगा कि उस दिन जब क्लास में यूनिट टेस्ट का रिजल्ट मिला था तो सारे विषयों में हम तीनों के अंक बहुत कम आए थे और हमेशा की तरह पावनी के अंक पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा थे। हमारी क्लास टीचर मधु मैडम ने पूरी क्लास के सामने पावनी का उदाहरण देकर हमें कितना अपमानित किया था। हमें उनकी बात इतनी बुरी लगी कि हम पावनी से चिढ़ गए। हमने सोचा कि हम पावनी के मन में इतना डर पैदा कर देंगे कि वह हॉस्टल और स्कूल छोड़कर चली जाए, फिर उसकी वजह से हमारा अपमान नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मेहनत से पढ़ाई करने की बजाय तुम इतना नीचता पर उतर आए। अब बोलो तुम्हें क्या सजा दी जाए। अगर वार्डन मैडम को पता चलेगा तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल देगी और बात जब प्रिंसिपल तक पहुंचेगी तो स्कूल से भी तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। विपुल गुस्से से बोली तो अब तक चुप खड़ी पावनी बोल पड़ी, नहीं विपुल प्लीज़ ऐसा मत करना। ऐसा करने से ये तीनों परीक्षा नहीं दे पाएंगी जिससे इनका करियर खराब हो जाएगा। इन्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन लोगों को वादा करना होगा कि इस तरह की हरकत ये लोग फिर कभी किसी के साथ नहीं करेगी। विपुल ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा। तीनों ने एक साथ अपने कान पकड़े और बोली, हम वादा करती हैं कि जीवन में कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हमें भी वादा करती है कि यह बात राज ही रहेगी कि वो चुड़ैल कौन थी। विपुल ने इस अंदाज में कहा कि पावनी हंस पड़ी और साथ ही रोनी सूरत बनाकर खड़ी साक्षी नेहा और रुचिका भी मुस्कुराने लगी। ये कहानी यहीं तक थी। थैंक यू।